एक बार जोरदार तालियां हो जाए जितने भी लोग बैठे हुए हैं हमारे प्यारे से कलाकार सचिन जी के लिए प्यारी सी आवाज आप लोगों के बीच में थी और आइए एक प्यारा सा नगमा आप लोगों के बीच में ला रहे हैं रुचि गुप्ता जी जो कि इनके गाने का जो अंदाज है इनके गाने के जो बोल है और इनके गाने का जो तरीका है वो मधुर बनाने वाला है लेकिन और जैसा कि हमारे प्यारे भाई लकी वर्मा और भूपेन केवट रोहित विश्वकर्मा मनीष वर्मा जितने भी छोटे मोटे भाई हैं जो हमें नजर आ रहे हैं इस वक्त यहाँ पर उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और खास तौर पर धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं राहुल के बच्चे को जिनका आज शुभ दिन उत्सव है और बड़ा ही खूबसूरत सा नजारा इस वक्त यहाँ कृपालपुर में मौजूदा स्थिति में है और आहिस्ता आहिस्ता यह संगीत का दौर चलता रहेगा और संगीत के दौर में एक प्यारा सा नगमा आप लोगों के बीच में रखने जा रहे हैं रुचि गुप्ता जी एक बार इनका स्वागत है और एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे राजेंद्र भैया के लिए वाकई में कोई गाना कोई भी सर और साथ ही साथ कहते हैं ना कि आदमी को अपने रूप में ढल जाना चाहिए रंग में ढल जाना चाहिए उनका वो पैशन है उनका वो जरूर है उनकी वो ताकत है जिसमें वो ढल जाते हैं और होना भी चाहिए और कहते हैं ना ये प्यारी प्यारी जो मुस्कान है वो आपके चेहरों पर होने चाहिए क्योंकि कृपाल पर वाले हो आप उदास से बैठ के मन मन और ये कहना मेरा आपसे कि जिंदगी में हरदम हंसते रहो जिंदगी में हरदम हंसते रहो हंसना जिंदगी की जरूरत है हंसने की बात क्यों कह रहा हूँ पता है आप लोगों को एक बार मैं और मेरा दोस्त उत्तम केवट कपिल शर्मा को तो सभी जानते होंगे ना कपिल शर्मा के शो में जाने का मौका मिला था हम दोनों को बतौर ऑडियंस के तौर पर और हम लोग गए थे वहाँ तभी एक बात कपिल ने बोली थी वो मुझे आज भी याद है और जिंदगी भर याद रहेगी उसने सिर्फ इतनी ही बात बोली थी कि जिंदगी में हरदम हंसते रहो हंसना जिंदगी की जरूरत है क्या जिंदगी में हरदम हंसते रहो हंसना जिंदगी की जरूरत है और जिंदगी को इस अंदाज में जियो कि लोग आपको देख कर कहें कि वाह जिंदगी कितनी खूबसूरत है एक बार जोरदार तालियां हो जाए और गैंगल की तरफ से ये प्यारी सी नोट आई है 100 रुपए की एक बार जोरदार तालियां हो जाए बड़े शौकीन इंसान है इस संगीत के महफिल को सुनने के लिए और मैं जहां भी देखता हूँ अगर संगीत की बात चल रही है तो बड़ा आनंद आता है इन्हें तो वाकई में ऐसे संगीतकार भी होने चाहिए सुनने के लिए क्योंकि दर्शक ही सब कुछ होते हैं कलाकार को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है वो यही दर्शक हैं आप प्यारे प्यारे लोग हैं जिनकी वजह से हमारा ये प्रोग्राम इतना खूबसूरत बनता है और चार चांद लगते हैं तो सिर्फ आप लोगों की वजह से पढ़ लीजिए सतना शहर के काफी मशहूर सिंगर शशि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए पिछले 7 सालों से मैं इनके साथ हूँ और मुझे लगता है कि बेहद नेक दिल और सच्चे दिल इंसान है एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए और लीजिए प्यारा सा गाना आप लोगों के बीच में मेरे सवालों मेरे रंग में रंगने वाली हरी हो या हो परियोगी प्राणी या हो मेरी प्रेम कहानी Thank you.
Thank you.